क्या देखो ना, हम क्या करें? जो देख क्या मानो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज बीनिश खान। आज की जो मेकअप लुक है वो वलीमा मेकअप लुक है जो गेस्ट के लिए मैंने क्रिएट की है। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने ये किस तरह से अचीव की है तो स्टे ट्यून। और अगर आपको जानना है कि माइयों और बारात की लुक किस तरह से की जाए और किस तरह से मेकअप अचीव किया जाए तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइज, सबसे पहले इस लुक के लिए मैं सबसे पहले आईज से स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन कम्प्लीट करूँगी। और मैंने ऑलरेडी अपनी आईब्रोज डन कर ली हैं और प्राइम भी कर ली हैं। सो अब मैं इसको पाउडर से सेट कर लूँगी मैं प्राइमर को। और पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी का पाउडर और इसका शेड है 220। मैं मेबलिन की इस पैलेट में से शेड ले रही हूँ, ये पीची शेड। और इसको मैं अपनी क्रीज में ब्लेंड करूँगी। ओके, नेक्स्ट कलर जो है वो इसी क्वाड में से है और वो ये डार्क डीपर ब्राउन है। और इसको जो है मैं क्रीज में, जहाँ तक आपकी क्रीज होती है उसके अंदर ब्लेंड करूँगी, लाइक यहाँ पे। इसको सिर्फ आपने अंदर, इसके अंदर ही ब्लेंड करना है, ज़्यादा बाहर नहीं लेके आना। और ब्रश के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, अर्बन डिके का ब्रश है, ये डबल साइडेड ब्रश है। जो है मैं कट क्रीज के लिए ये मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये मिनरल कंसीलर है और इसका शेड है बेज 01। जैक्सन हिल की पैलेट में से मैं ये आई शेडो ले रही हूँ और इसको लगाने के लिए मैं ये एंगल ब्रश ले रही हूँ। ये वाला डार्क ब्राउन ले लूँ और इसको मैं आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करूँगी। ये वाला शेड ले रही हूँ लिटिल लेडी और इस शेड को मैं फिंगर से लगा रही हूँ।
और अब नेक्स्ट जो है मैं इस ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर दूंगी। बॉन्स के लिए मैं ये वाला कलर यूज करी। ओके, अब मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई करके दोबारा से वापस आती हूँ। ओके, मैंने अपना फाउंडेशन डन कर लिया है और बेकिंग भी डन कर ली है। बेकिंग को मैं हटा देती हूँ। क्विक रिव्यू, जो जो चीज़ें मैंने फेस के लिए यूज़ की हैं, मुसर्रत मिस्बा का फाउंडेशन यूज़ किया है इन शेड बेज, और फाउंडेशन कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का मिनरल कंसीलर इन शेड बेज 01, और फाउंडेशन को अप्लाई किया है मैंने इस ब्यूटी ब्लेंडर से। फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने फिटमी का पाउडर यूज़ किया है इन शेड 220, और कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने कैट्रीज कॉस्मेटिक का प्राइम एंड फाइन ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ किया है, और आईलैशेस के लिए मैंने यूज़ की है मैक्स फैक्टर की आईलैशेस, और इसका नंबर है 035। कंटूरिंग के लिए मैंने पैलेट यूज़ की है डोडोगर की पैलेट, और इसमें मैंने कंटूरिंग के लिए ये शेड यूज़ किया है। अब मैं जो हूँ लोअर लैश लाइन पे आ जाते हैं। लोअर लैश लाइन के लिए मैं सेम पैलेट में से ये ब्राउन कलर ले रही हूँ। आज मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, पता नहीं क्यों। लोअर लैश लाइन के लिए मैं ये कलर ले रही हूँ। वाटर लाइन के लिए मैं वाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है वो लोअर लैश लाइन की जो ये वाली साइड है उस पर मैं सेम यही कलर जो मैंने ऊपर आईलेट पे लगाया है वही सेम कलर मैं यूज करूंगी। नेक्स्ट जो है मैं ब्लश ऑन के लिए कलर स्टूडियो का पिक्सी पिंक 103 शेड ले रही हूँ, और इसको मैं ब्लेंड करूंगी चीक्स पे। ओके, फॉर माय लिप्स मैं यूज कर रही हूँ सिफोरा का शेड ये वाला शेड है। नेक्स्ट जो है मैं लिप्स के लिए सिफोरा का ये शेड यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ तो मैं आप लोगों को सही से बता नहीं सकती कि कौन सा कलर है।
सो दिस इज़ द फाइनल लुक. होप यू लाइक इट. अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.